Assalamu alaikum dear friends. Today I will discuss and introduce the statistical inference. This is the chapter number 15 of BSc Statistics Part 2. Introduction to Statistics का BSc Part 2 का topic है statistical inference. इसमें statistical inference के क्या चीज होती है, इसके अलावा estimate क्या होता है, estimator क्या होता है, hypothesis testing क्या होती है, interval estimation क्या होती है, इसके अलावा इंटर कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है, ये सब चीजें हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा ताकि इन डेफिनेशंस के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको इसमें बारे में कोई कहते हैं रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जो चैप्टर का नाम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये होती क्या चीज है, इसका मतलब है कि डिस्कशन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सैंपल ऑब्जर्वेशन जो हमने बताए थे, मैंने म्यू एक्स बार सिग्मा जो भी सैंपल हम पढ़ते हैं उनकी बुनियाद पर पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जो डिस्कशन होगी, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ठीक है, डिस्कशन का मतलब क्या, यहां पॉइंट आया डिस्कशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्कशन का मतलब क्या चीज है, क्या करेंगे, डिस्कशन का मतलब यहां बहसों बहसा नहीं है। डिस्कशन का मतलब यहां पर शो करता है कि ड्रा इंफरेंस अबाउट, डिस्कशन क्या शो कर रहा है यहां पर कि ड्रा इंफरेंस अबाउट रिजल्ट निकाल है, इंफरेंस कह रहे या रिजल्ट कह रहे बात एक ही है, रिजल्ट ड्रा करना या इंफरेंस ड्रा करना। ड्रा इंफरेंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, ड्रा इंफरेंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन बेस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन सैंपल बेस, ऑन सैंपल बेस। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्कशन। जब पेपर में आ जाए डेफिनेशन के व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, तो जेन में दो चीजें होनी चाहिए, नंबर वन सैंपल ऑब्जर्वेशंस, नंबर सेकंड पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर ये दो चीजें पॉइंट याद होंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे। क्या चीज आ गई, डिस्कशन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, दिस कॉल एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। और डिस्कशन का मतलब बतला गया कि डिस्कशन का मतलब यहां हम रिजल्ट ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर पर। तो यहां आपको याद ही होगा जब चैप्टर 14 हमने डिस्कस किया था सैंपलिंग के अंदर, आपको कुछ याद ही होगा सैंपलिंग के अंदर ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है क्या होता था, बताओ जरा, ये होता था म्यू। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि पॉपुलेशन पैरामीटर होता था उसे हम कहते थे म्यू कहते थे। लेकिन यहां पर चैप्टर 15 के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कशन वगैरह करेंगे तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होगा, इसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर जो होगा चैप्टर नंबर 15 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये होगा थीटा। यहां को पहले ठीक बता दो, जब हम सैंपलिंग डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, म्यू होता है। लेकिन जब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का जिक्र आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा वहां पॉपुलेशन पैरामीटर जो होता है वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देयर आर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ या ब्रांच, देयर आर टू ब्रांचेस, देयर आर टू ब्रांचेस, देयर आर टू ब्रांचेस, ब्रांचेस कह लें या फिर टाइप्स कह लें बात एक ही है। देयर आर टू ब्रांचेस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की कितने टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन टाइप होती है एस्टिमेशन, नंबर वन टाइप इसकी होती है एस्टीमेशन। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी डेफिनेशन लाजिम पेपर में आती है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी पेपर में बहुत दफा आती है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजे वाला है, बहुत ज्यादा आसान है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसके हमें पता लग गया कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की दो शाखें होती हैं, यानी दो एग्जाम होती हैं, एक होती है एस्टिमेशन और एक होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन, उस एस्टिमेशन जो है इसी हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 15 हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 16 के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16। लेकिन दोनों की डेफिनेशन वगैरह क्या है वो हम डिस्कस अभी करेंगे। What is estimation? सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टिमेशन।
चलिए आप आपको मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे डेफिनेशन याद रखी जाए एस्टिमेशन की, एस्टिमेट वो ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। एस्टिमेशन की बात जब भी आई थी जेन में, बस आपने याद रखना है प्रोसेस, ये चीज अपनी कभी नहीं भूलनी। जब भी एस्टिमेशन का जिक्र आए, जब भी डेफिनेशन पेपर में आ जाए, आपके जेन में ये ट्रिक होनी चाहिए, दिस इज द प्रोसेस। अगर ये ट्रिक आपको याद होगी तो 100% इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, वर्डिंग यही रहेगी। वर्डिंग जो लिखी हुई है मैंने अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर और बेसिक सैंपल रिजोल्यूशन, वर्डिंग आपने यही लिखनी है। वो कैसे आपको बताने जा रहा हूं एस्टिमेशन क्या होती है। तो अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस टू, आपने सिंपल लिखना है द प्रोसेस टू एस्टिमेट, द प्रोसेस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, द प्रोसेस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, यही वर्डिंग सेम लिखनी है, और पॉपुलेशन पैरामीटर, और पॉपुलेशन पैरामीटर, और पॉपुलेशन पैरामीटर, यही चीज, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन भी आपको पहले पता लग गया, मैंने बताया था ऐसा, देखिए वही वर्डिंग चल रही है, पॉपुलेशन पैरामीटर वही चीज, सेम टू सेम वही वर्डिंग है। तो बस आपने पॉइंट क्या याद रखना है, ट्रिक क्या याद रखनी है, दिस इज द प्रोसेस, एस्टिमेशन इज द प्रोसेस टू एस्टिमेट द, एस्टिमेशन से पता लग गया इसके अंदर करेंगे एस्टिमेट भी करेंगे, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं सेकंड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट अब इसका फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम चैप्टर शुरू करेंगे उसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। हिपोथेसिस, हिपोथेसिस टेस्टिंग, हिपोथेसिस टेस्ट, व्हाट इज हिपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपने सिंपल कहना है, आप पहले बता दिया एस्टिमेशन क्या करती है, एस्टिमेट करती है, तो हिपोथेसिस टेस्टिंग क्या करेगी, टेस्ट करेगी, यानी हिपोथेसिस टेस्टिंग भी प्रोसेस है, एस्टिमेशन भी प्रोसेस है। आज के अंदर भी ये चीज आपने याद रखनी है कि मेन दिस इज द प्रोसेस, इसके अंदर भी आपने ये याद रखना है, इसका एस्टिमेशन प्रोसेस याद रखना है, हिपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी आपने ये चीज ट्रिक याद रखनी है, दिस इज द प्रोसेस। तो बना लगाओ, आपने सिंपल लिखना है द प्रोसेस, सेम वर्डिंग ऊपर वाली, द प्रोसेस टू टेस्ट द, समझ आ गई यह पॉइंट। तो वहां हम एस्टिमेट करते हैं, यहां क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, द प्रोसेस टू टेस्ट द, the process to test the value of population parameter, simple wording ho chalegi, value of population parameter on the basis of sample observation, same wording aapne likhni hai, on the basis of sample observation, on the basis of sample observations, this is called as hypothesis test। तो मुझे उम्मीद है आपको ये point discuss हो गया होगा कि estimation क्या होती है, hypothesis trick आपको बता दी है, दो बहुत hard process है, hypothesis भी process है, hypothesis testing भी process होता है। estimation के अंदर हम estimate करते हैं, इसके अंदर हम करेंगे test करेंगे, ये keyword जो है points जो है आपने याद रखी है, definition आप खुद बनाएंगे। next आगे move करते हैं, next आ रही थी paper definition बहुत दफा आई हुई है, estimate ये बहुत अब डेफिनेशन आई हुई है, एस्टिमेट मैं कठा डिस्कस कर रहा था जैसे पेपर में आती है, और एस्टिमेटर इस तरह मेरा ज्यादा दीजिएगा आपके लिए, एस्टिमेटर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यही पेपर में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट, एस्टिमेटर का भी और एस्टिमेशन को भी शामिल कर लेते हैं। तो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, ट्रिक याद रखनी, इस तरह से ट्रिक्स बता दी, इसके अंदर भी ट्रिक्स लगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। एस्टिमेट जो होती है वो होती है वैल्यू, हमेशा याद रखिएगा, एस्टिमेट इज द वैल्यू एंड एस्टिमेटेड इज द फॉर्मूला। एस्टिमेटेड क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, एस्टिमेटेड इज द फॉर्मूला, ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है। एस्टिमेट का जिक्र किया था आपने, क्या कहना है एस्टिमेट इज द वैल्यू, एस्टिमेटेड कहेगा तो आपने क्या कहना है, ये चीज द फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या बनानी है, बहुत आपने कहना है द वैल्यू ऑफ, सिंपल वर्डिंग यही वर्डिंग आपने लिखनी है, बट ट्रिक आपने ये याद रखनी है, क्या कहना है द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, हमें सिंपल लिखना है द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, द वैल्यू ऑफ
population parameter on the basis of वही वर्डिंग सेम ऊपर लिख लिया आपने ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन वही ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन दिस इज कॉल्ड एज एस्टीमेट। तो आपने ये चीज सीख ली होगी कि एस्टीमेट इज द वैल्यू वर्डिंग सेम वही जो ऊपर लिखनी है वही लिखनी है। ये ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ये शायद ट्रिक 100% आपको किसी ने बताई होगी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं एस्टीमेटर। व्हाट इज द एस्टीमेटर क्या होता है फार्मूला द फार्मूला आपने सिंपल लिखना है द फार्मूला बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ बाकी वही बढ़ी वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर वही बढ़ी क्या होगी लिखनी नेक्स्ट On the basis of sample observation. लेकिन ये फॉर्मूले की मदद से वैल्यू वैल्यू कैसे निकलेगी ऑब्वियसली जब भी हम डाटा सॉल्व आउट करते हैं एक फॉर्मूले की मदद से वैल्यू निकलती है तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी बाय यूजिंग फॉर्मूला ये चीज आपको बता रही थी मैंने बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूले ऑब्वियसली जब फॉर्मूले की मदद से ही वैल्यू निकलती है तो फॉर्मूले की मदद से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं वैल्यू निकलेगी। तो ये चीज आपको मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि एस्टिमेट इज द वैल्यू एंड एस्टिमेट इज द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है इंटरवल एस्टिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरवल एस्टिमेशन हमारा लास्ट टॉपिक है तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा ये अगला टॉपिक जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपके पास है इंटरवल एस्टिमेशन ये पेपर में लास्ट में आता है इंटरवल एस्टिमेशन एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन नेक्स्ट होता है पॉइंट एस्टिमेशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये पेपर में लाजमी आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एस्टिमेशन एंड पॉइंट एस्टिमेशन। इसके अंदर भी आपको बताने जा रहा हूं वही ट्रिक्स आपने फॉलो करनी है अगर वो ट्रिक याद होगी तो आप ये खुद रेफरेंस बनाएंगे। वो कैसे इंटरवल एस्टिमेशन में आपने पास जो कीवर्ड याद रखना है ट्रिक याद रखनी है कि ये होती है रेंज बस ये चीज आपने याद रखनी है। इंटरवल एस्टिमेशन का जिक्र जब भी आए एस्टिमेशन तो पता लगा तो प्रोसेस होगा ही लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन जब भी आए इसके अंदर मेन चीज आपको याद रखनी है रेंज ये कभी नहीं बोलना। पॉइंट एस्टिमेशन का कीवर्ड बता देता हूं पॉइंट एस्टिमेशन का जिक्र करेगा तो इसके अंदर याद रखना है बस आपने सिंगल वैल्यू इसके अंदर आपने क्या याद रखना है सिंगल वैल्यू बस ये ट्रिक याद रखनी है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं चलिए पहले डेफिनेशन में लिखता हूं पॉइंट एस्टिमेशन की आपने सिंपल क्या करना है वही वर्डिंग सिंपल आपने द प्रोसेस टू प्रोसेस का जिक्र क्यों होगा क्योंकि एस्टिमेशन द प्रोसेस एस्टिमेशन जब भी आए वहां क्या आता है प्रोसेस आता है द प्रोसेस टू आपने सिंपल लिखना है द प्रोसेस टू एस्टिमेट सिंगल वैल्यू क्या लिखा हुआ है सिंगल वैल्यू ऑफ जो पहले बता दिया है द प्रोसेस टू एस्टिमेट द सिंगल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर वही बड़ी लिखी है आपने आगे पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट एस्टिमेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है सिंगल वैल्यू को एस्टिमेट करना। इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर मेन चीज क्या आती है रेंज वो कैसे आपने सिंपल के लिखना है इसकी डेफिनेशन सेम ऐसी है जैसे एस्टिमेशन लिखी है थोड़ा फर्क पड़ेगा आपने यही लिखनी यही वर्डिंग लिखनी ऊपर वाली आपने लिखना है द प्रोसेस टू क्या लिखना है आपने द प्रोसेस टू एस्टिमेट द प्रोसेस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर
on the basis of sample observation. This is called as interval uncertainty. एक मिस्टेक हो गया, the process to estimate the value within a range with the overall population mean, एक थोड़ी गलती कर दिया. The process to estimate the value population parameter, आगे बस ये लिखना था within a range. थोड़ी वो मिस्टेक, यहाँ लिखना है within a range. आगे range लिख देना है, आगे लिखना है by using sample observations, by using sample observations. This is called as, क्योंकि range का discuss हुआ तो range का liberty लाजम है, तो यहाँ लिखना the process to estimate the value of population parameter within a range. Range का मतलब लेके लेके क्या है? By using sample is called as interval estimation. तो ये उम्मीद है आपको ये tricks जो है फॉलो हो गई होगी. बस आपने भी ये डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, बाकी ट्रिक्स फॉलो करनी है, आपके पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे. उम्मीद है आपके इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कैंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफिज़.